पर डिस्काउंट आपको भर भर कर मिल सकता है, बहुत ज्यादा मिल सकता है। आप टाटा नेक्सॉन पर मैंने 6 लाख तक का डिस्काउंट भी देखा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मित्र, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब भी हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो हमें ये टेंशन रहती है डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम अपनी तरफ से खूब सारे आइडिया लगा लेते हैं, खूब सारा इंटरनेट सर्च कर देते हैं, देखते हैं कौन सी वो ट्रिक्स है जहां पर हमें डिस्काउंट मिल सकता है। ईयर एंड में खरीद ले तो डिस्काउंट मिल सकता है, मंथ एंड में खरीद ले शायद टारगेट की वजह से कंपनी या वो शोरूम हमें डिस्काउंट दे दे, या फिर हम फाइनेंशियल ईयर के एंड पर खरीद ले शायद तब दे दे, दिवाली के आसपास दे दे, फेस्टिव सीजन में दे दे। तो हमें डिस्काउंट की मतलब आइडिया हम लगाते रहते हैं। जिंदगी में हम कितनी गाड़ी खरीदते हैं, कितने बार शोरूम में जाते हैं, लेकिन जो शोरूम है ना उनके पास डेली सैकड़ों लोग आते हैं जो अलग अलग ट्रिक्स लेकर आते हैं डिस्काउंट के लिए। तो शोरूम जो है ना वो पके रहते हैं, उनको पता है किसी इंसान को कैसे टैकल करना है। तो डे बाय डे हमारे डिस्काउंट लेने के तरीके, हमारे रास्ते कम होते जा रहे हैं और शोरूम्स के पास, कंपनीज के पास डिस्काउंट ना देने के रास्ते नए नए खुलते जा रहे हैं। तो डिस्काउंट का जो सिस्टम है धीरे धीरे नैरो डाउन होता जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा है, एक टाइम नहीं एक साल में अनेक टाइम ऐसे हैं जब हम डिस्काउंट ले सकते हैं। हमें किसी ईयर एंड की जरूरत नहीं है, हमें किसी मंथ एंड की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है, कौन सी गाड़ी है उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना है, क्या सर्च करना है उसकी हम बात कर रहे हैं, और डिस्काउंट आपको भर भर कर मिल सकता है, बहुत ज्यादा मिल सकता है। आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, लाइव एग्जाम्पल है, मतलब आज के टाइम पर आप पता भी कर सकते हैं क्या ऐसा है कि नहीं है, तब आप समझ जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल से ही पहले नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे, वो डिस्काउंट वाला बाद में बात करेंगे। एक गाड़ी है XUV 300, इसका फेसलिफ्ट जो है आने वाला है, मार्च में आ सकता है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है थोड़े से टाइम के बाद, ये भी आ जाएगा। अब दोनों देखिए, एक कम फेमस है XUV 300, मारुति स्विफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, टॉप 5 में भी रहती है। अब मान लेते हैं मारुति स्विफ्ट का जो है फेसलिफ्ट आने वाला है वो आ गया है, आज ही आ गया है। अब आप क्या करेंगे, या मार्केट क्या करेगी, किस तरीके से चलती है, कंपनी क्या सोचेगी, हम अपनी इस गाड़ी को खूब जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट करें, खूब इसकी एडवर्टीजमेंट चलाएं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं उसकी खूब सारी वीडियो बना देंगे, इसमें ये आया वो नहीं आया है, ऐसा डिजाइन है, ये है वो है, तो हर जगह वही गाड़ी दिखेगी, नहीं आ जाएगी मार्केट में, वो बिकनी शुरू हो जाएगी, लोग बाग देखेंगे। जो आज के टाइम पर स्विफ्ट चल रही है वो हो जाएगी पुरानी। जब आप जाएंगे शोरूम में, अगर दोनों वहां पर खड़े हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये नई है ये पुरानी है, और पुरानी चीज के दाम आपको पता है कैसे होते हैं, कम होते हैं। आज के टाइम पर अगर स्विफ्ट पर कोई डिस्काउंट नहीं है या 20-30 हज़ार रुपये का डिस्काउंट है, अगर आप नई आने के बाद पुरानी ले रहे हैं, वैसे वो बिल्कुल पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई है, लेकिन नई गाड़ी आ गई है, नया फेसलिफ्ट आ गया, उसकी वजह से वो पुरानी हो गई है, और पुरानी के दाम कम होते हैं, जिस पर 30 हज़ार का डिस्काउंट है तब उस पर 50-60 हज़ार रुपये का डिस्काउंट हो सकता है। XUV 300 वो भी पुरानी हो जाएगी, उस पर आज के टाइम पर 1-1.25 लाख रुपए का डिस्काउंट है, तब 1.5-2 लाख का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो एक ही वर्ड है, वो है पुराना या नया, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। शोरूम पर जाएंगे वो भी कोशिश करते हैं यार, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती चली जाएगी ना, मान लेते हैं आज पुरानी स्विफ्ट खड़ी है, नई स्विफ्ट खड़ी है, 2 महीने के बाद वो पुरानी और भी पुरानी हो गई है, 2 महीने में मार्केट में खूब सारी नई वाली स्विफ्ट आ जाएंगी, सब उन्हें को देखेंगे, पुरानी को कौन खरीदेगा। तो वो सोचते हैं यार जितनी जल्दी पुराना स्टॉक निकल जाए, बेशक डिस्काउंट के साथ निकल जाए, वो उतना ज़्यादा बढ़िया है, हमारे पास ये खड़ा ना रहे, जगह को ना घेरे, और जब भी कोई हमसे वो गाड़ी लेगा ना तो वो और भी ज़्यादा डिस्काउंट की डिमांड करेगा, जब भी कभी लेगा। तो वो सोचते हैं जल्दी निकाले, डिस्काउंट देकर निकाले। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, और उसके बाद थोड़ा सा और आपको समझना है। एग्जाम्पल है टाटा नेक्सॉन, बहुत फेमस है, बट स्टिल उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा था। अब फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन आई थी, उसके बाद पेट्रोल डीजल ये दोनों खूब सारी बिकती हैं, डीजल फिर भी उतनी नहीं बिकती है, लेकिन टाटा नेक्सॉन ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, आप समझना, फेमस नॉन फेमस दोनों चीज़ें इसी में आ जाएंगी। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल जो आई थी उस पर हमें शायद कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, जो पुरानी हो गई थी, लेकिन जैसे ही फेसलिफ्ट आया उसके बाद हमें पुरानी वाली पर डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। उस पर मैंने मैक्सिमम 50 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट देखा। डीजल थोड़ी सी कम बिकती थी, उस पर मैंने 80 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट देखा। अब देखिए टाटा नेक्सॉन ही अपने आप में बड़ी फेमस थी, लेकिन टाटा नेक्सॉन पर मैंने 6 लाख तक का डिस्काउंट भी देखा है पुराने वाले पर। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, है तो टाटा नेक्सॉन ही, एक पर 50 हज़ार का डिस्काउंट है, एक पर 6 लाख का, वो है सेगमेंट आपको देखना पड़ेगा,
कौन सी गाड़ी ले रहे हैं आप, पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, सीएनजी ले रहे हैं, वो कितना कर रही है, या पेट्रोल में ही कौन सा वेरिएंट आप चूज कर रहे हैं, उसकी क्या मार्केट है, उस हिसाब से भी डिस्काउंट तय होता है। नेक्सॉन हालांकि फेमस है, लेकिन ईवी अपने आप में इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। नेक्सॉन ईवी नहीं, ईवी ही फेमस नहीं है इंडिया में आज के टाइम पर। तो नेक्सॉन ईवी मैक्स जो आती थी, एक जगह पर मैंने पूछा, कल परसों ही पूछा, वो खड़ी है उनके पास जो पुराने वाली है, उसमें 22 लाख रुपए ऑन रोड है जो टॉप वेरिएंट है। आज के टाइम पर वो 16 लाख रुपए में अवेलेबल है। वो कह रहे हैं कि बेशक आज ही ले जाइए, बिल्कुल नई है, तो 6 लाख का डिस्काउंट है। आपको जो भी गाड़ी लेनी है ना, आपको चूज करना है कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी है, क्या उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, फिर ये सर्च कीजिए। अगर फेसलिफ्ट आने वाला है तो आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, वो वेरिएंट मार्केट में कितना डिमांड में है, उस हिसाब से आप अपना डिस्काउंट थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आज के टाइम पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो हो सकता है आपको 20-30 हज़ार रुपये डिस्काउंट तब मिल जाए जब नया फेसलिफ्ट आ जाए, या उस पर 20-30 हज़ार रुपये का डिस्काउंट है तो जब फेसलिफ्ट आ जाएगा तो आपको उस पर 50-60 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर कम फेमस है तो डिस्काउंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ही कम फेमस है, कोई डीजल गाड़ी है जो बहुत कम बिकती है और उसका टॉप वेरिएंट आप लेना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको 1-1.5 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपको करना जस्ट यही है, सर्च कीजिए क्या उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। अगर आने वाला है तो आपको बल्ले बल्ले का टाइम हो सकता है आ जाए, रुक जाइए, गाड़ी नई ही है, कहने में जस्ट पुरानी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। जो आज फेसलिफ्ट आ रहा है, 2 साल के बाद उसका भी फेसलिफ्ट आएगा, फिर ये भी पुरानी हो जाएगी, तो पुरानी तो गाड़ियां होती रहती हैं। आप अपने डिस्काउंट की तरफ ध्यान दीजिए। तो आज के लिए यही बात थी। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।